आज शुरुआत करेंगे हम केमिस्ट्री सेक्शन से। केमिस्ट्री के चार चैप्टर्स अकाउंट असिस्टेंट में मेंशनड है और केमिस्ट्री के एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो है वो सब इंस्पेक्टर में भी मेंशनड है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सब इंस्पेक्टर और अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैं पूरी साइंस की अगर बात करूँ तो वो 90% कॉमन है, 10% का फर्क है। एक एक्स्ट्रा चैप्टर तीनों सेक्शंस में वो दिया गया है सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँ। मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स को और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको ये बोल दूँ, जब आप साइंस सेक्शन पढ़ोगे तो आपको ये काम करना है, जो अकाउंट असिस्टेंट के चैप्टर्स हैं और जो सब इंस्पेक्टर के, आपको दोनों पढ़ने हैं, चाहे एग्जाम आपको कोई भी क्यों ना देना हो। इसका रीज़न है, रीज़न क्या कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर डालेगा उसे खुद भी ये याद नहीं रहेगा, ये एक रियलिटी है, उसे याद ही नहीं रहेगा कि किस सिलेबस में कौन सा चैप्टर डाला गया था। क्वेश्चंस की वहाँ शफलिंग होती है, जब टीचर से क्वेश्चन मंगवाए जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस चाहे वो सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के हो बट वो अकाउंट असिस्टेंट में भी आ सकते हैं, क्योंकि साइंस जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डेली लाइफ में हम ये करते हैं और साइंस जो है इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है जो आप डेली लाइफ में करते हो। आपने देखा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी जब एग्जाम हुआ, साइंस के ऐसे क्वेश्चन सामने आए थे जो डेली लाइफ में होते हैं, हालांकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं थे, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीज़न है मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपको पढ़ना है तो अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस भी पढ़ोगे आप और सब इंस्पेक्टर में जो एक चैप्टर एक्स्ट्रा है बाकी तो कॉमन है वो भी पढ़ोगे आप। तो करते हैं शुरू, जिस चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो पहले बेसिक्स जो है वो सीख लेते। देखो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, जब भी दो चीज़ों को आप आपस में करीब लाते हो तो ज़रूर जो एक रिएक्शन है वो होती है। अब केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन एक चेंज है जिसमें वन और मोर सबस्टांसेस और रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सबस्टांसेस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हो गया, जब दो चार चीज़ों को सबस्टांसेस को, जिसको आप रिएक्टेंट भी बोलोगे क्योंकि वो आपस में रिएक्शन करते हैं, आप उनको करीब लाते हो तो क्या होता है कि नए सबस्टांसेस बनते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है पहले वाले से। और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग का जो रोल है वो सामने आ जाता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा भी है इन्होंने, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, मतलब पुरानी बॉन्ड्स टूटती हैं और नई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वही रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन की अकरेंस के लिए। मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में होता है बट जब ऑक्सीजन भी आ जाता है तो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनती है, पुरानी बॉन्डिंग्स टूटती है तो H2O बन जाता है जिसे आप पानी बोलते हो। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन की ऐसे प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ऑक्सीजन की अलग होंगी, बट जब वो मिल जाते हैं तो CO2 बना देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग आ जाती है। ठीक है, और बॉन्डिंग, पुरानी बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होती है, न्यू बॉन्डिंग जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। ये आप समझ चुके हैं, देखो ये आपको याद नहीं करना, रटा नहीं मार रहे बैठ जाना, क्रैम नहीं करना कि आपके पास नोटबुक है और आप लर्न कर ये सब लिखोगे फिर लर्न करने शुरू हो जाओ, ये सिर्फ समझना है, आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ माइंड में आपको रखनी है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें आइडिया मिल गया। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ द स्पीसीज, ये वही चीज़ इन्होंने वापस से लिखी हुई है कि इसमें बेसिकली स्पीसीज में चेंज आता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और न्यू स्पीसीज बन जाती है, न्यू वैरायटी बन जाती है। जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज, अभी एक एग्जांपल आगे दी होगी, आई थिंक ये दी है, बिल्कुल मैं इसमें बता दूंगा आपको। रिएक्टिंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं, वो सबस्टांसिस जो अंडरगो करते हैं केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन में। और जो नई सबस्टांसिस बनते हैं, नए स्पीसीज बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, न्यू सबस्टांसिस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक एग्जांपल जो नीचे दी गई है मैं उस पर बात करता हूं, यहां देखें, जैसे एक एग्जांपल है सोडियम प्लस H2O, ये हो गया वाटर। तो सोडियम और वाटर को जब कंबाइन किया गया तो बन क्या गया, NaOH, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 जो हाइड्रोजन है। अब ये सब चीजें जो है ना, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, ये सब चीजें इन्हें क्या बोलेंगे हम, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स।
ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद ये जो नई स्पीसीज हमारे सामने आ रही है इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये रिएक्शन कौन से टाइप की है वो तो हम जब रिएक्शन की टाइप समझेंगे हमें तब आइडिया मिलेगा। बस आपको ये समझना है कि एरो के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जिनकी रिएक्शन हो रही है ये रिएक्टेंट्स है और बदले में ये आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ये आपको याद रखना है, और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। क्लियर, चलते हैं आगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, जस्ट ए सेकेंड, हाँ अब बेटर रहेगा। एक एग्जांपल, ये ऊपर वाली एग्जांपल आ गई। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। रिएक्शन के बारे में तो हम समझ चुके भैया, जब आपस में कुछ चेंजेस होते हैं बॉन्डिंग्स की, प्रॉपर्टीज की, वो रिएक्शन हो गया। बट केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? यही रिएक्शन को जब आप एक फॉर्मेट में डाल देते हो दिखाने के लिए तो उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। आप यहां अगर देखो, अ केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक, यहां पे रिएक्शन नहीं है, यहां पे इक्वेशन होगा 110% केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल ही रिएक्शन की। ठीक है, जो भी आपने रिएक्शन सीखी जब उनके सिंबल्स को उठा लोगे आप, जैसे मैंने बात करी किसकी अब इससे पहले, हाइड्रोजन NaOH वाली बात करी ना, अब आपको सोडियम का सिंबल पता होना चाहिए Na, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए H, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है वही हमें क्या सामने लाके देती है, जैसे यहां पर आ गया, ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है बट इनके जब सिंबल्स लिखे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए यहां पे जैसे एग्जांपल है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए क्योंकि ये रिएक्शन कर रहे हैं। बदले में इन्होंने हमें क्या दिया, हमें दिया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आ गए प्रोडक्ट्स। अब अगर आप इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे वो देखो आप। मीथेन की जगह मैंने क्या लिख दिया, उसका जो सिंबल है CH4, ये गैस होती है, जी का मतलब होता है गैस। ऑक्सीजन हो गया O2, ठीक है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों ने जब कंबाइन किया हमें आपस में क्या दे दिया इन्होंने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है, प्लस इसने H2O दिया जिसे हम बोलते हैं वाटर। वाटर जो है इसको भी, हालांकि ये लिक्विड फॉर्मेट में होता है, ये लिक्विड होता है। तो आपको ये मालूम पड़ चुका कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्लियर है ये पॉइंट? अब आगे चलते हैं। देखो एक और पॉइंट यहां बोला हुआ है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बात अब इसकी करेंगे। बेसिकली जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है ना उसे हमें बैलेंस भी करना होता है। जैसे अभी आपने पीछे वाली देखी, आपने ये केमिकल इक्वेशन देखी, आपके माइंड में जरूर आया होगा सर O2 तो हम समझ चुके, यहां 2 क्यों डाला हुआ है, ये माइंड में जरूर आया होगा, या वाटर के साथ यहां 2 क्यों डाला है। तो ये पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूं कि बैलेंस किस हिसाब से किया हुआ है। यहां देखो आप, देखो CH4 था प्लस O2 था, ये हमें क्या दे रहा है, CO2 प्लस H2O ये दे रहा है। अब आप मुझे बताओ यहां पर कार्बन कितने एटम रखता है, कार्बन का एक ही एटम है ये वाला, और यहां भी कार्बन कितने है 1, तो ये तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करूं, यहां हाइड्रोजन कितने एटम्स, 4 एटम्स हैं, बट यहां हाइड्रोजन की एटम कितने हैं, सिर्फ 2, तो बैलेंस करने के लिए यहां भी मुझे 4 बनाना पड़ेगा। अब इसे 4 अपनी मर्जी से कट करके 4 थोड़ी बना सकता हूं, तो मुझे क्या किया, मैंने यहां पे 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 हो गया 4, ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। ठीक है, प्रॉब्लम ये है जब मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो ये तो O के साथ भी हो गया, इसकी वजह से यहां पर ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2, और 2 ये वाले भी तो थे ऑक्सीजन के एटम, 2 + 2 कितना हो गया, 4, और यहां पहले ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 ही है, इट मींस यहां भी 4 होने चाहिए, तो इसलिए यहां भी हमने क्या किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट यहां भी ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो 4 हो जाए। यही रीजन है कि ये 2 क्यों आया और ये 2 क्यों आया। इसको बोलते हैं कि आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? चले आगे। यही टॉपिक बनाया हुआ है यहां पर कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी होती है। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना,
ये सारे स्टेप्स बताए हुए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया किस तरह से आपको बैलेंस करना है, लर्न नहीं करने बैठ जाना इसमें कुछ, क्लियर। चले आगे चलते, ये स्टेप्स सिर्फ इसलिए दिए गए अगर किसी को नहीं मालूम वो सीखना चाहता है तो वो इन्हें सीख सकता है। अब देखो यहां बताया है केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या लिखना चाहिए। एक इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटरी बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स बतानी चाहिए सबस्टांसिस की। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऑक्सीजन अगर गैस है तो जी लिखना है हमें, या कोई अगर लिक्विड फॉर्मेट में है तो वो लिखना है हमें, उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। इससे केमिकल इक्वेशन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। रिएक्शन कंडीशंस लिखनी है कि किन कंडीशंस पे रिएक्शन करवाई जा रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी हार्श कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है तभी रिएक्शन होती है। बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बड़ा हाई प्रेशर चाहिए होता है, तो ऐसे केस में आपको ये कंडीशंस जो है वो भी मेंशन करनी पड़ेंगी। और एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, देखो दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है, और कुछ ऐसी रिएक्शन जिनको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये आपको रिएक्शन में बताना है कि ये एनर्जी रिलीज कर रही है या इसको एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। आगे चलते, एग्जाम्पल्स काफी दी हुई हैं बीच में बार बार, वो आप रीड कर सकते हो आराम से। देखो ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ये आप एक बार रीड करोगे आपको सब आइडिया मिलेगा। हमें उन चीजों पे आना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपका जो एक क्वेश्चन बनेगा ना, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ही इस पे, केमिकल रिएक्शन की टाइप पे। अभी जितनी हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी वो कौन सी टाइप है वो सब इनसे हमें आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। ये अब हम शुरू करेंगे। चले देखो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। नाम बता रहे, देखो क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं कि अगर आप उनका नाम अच्छे से रीड कर पाओ आपको उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टी पता चलेगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, कि कुछ चीजें कंबाइन हो रही हैं। तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं। रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं याद करो, मैंने बताया जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, जो रिएक्शन के इनिशियल चीजें होती है। तो मैंने क्या बोला, रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं अगर वो फॉर्म करें एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखो देखो यार एग्जाम्पल आप खाली ये वाली भी समझोगे ना तब भी आपको आइडिया मिल जाएगा, इसी को वर्ड्स में यहां लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और हमारे पास है वाटर H2O, ठीक है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये वन नहीं है, इट इज लिक्विड। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो इन्होंने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेग्ड लाइन बोलते हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार केमिस्ट्री में आया, स्लेग्ड लाइन का सिंबल बताओ, तो स्लेग्ड लाइन का सिंबल क्या है, CaOH2। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक, प्लस हीट भी रिजल्व होती है, हीट भी रिलीज या इवॉल्व होती है। तो अगर आपने ध्यान से यहां चीज समझी हो, देखो एक रिएक्टेंट ये आ गया, एक रिएक्टेंट ये आ गया, दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। इट मींस ये दोनों जो है ये कंबाइन हो गए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब भी ऐसा हो कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने कंबाइन किया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल और भी दी हुई है, वो भी देख लीजिए, बर्निंग ऑफ कोल। देखो कार्बन हो गया कोयला, प्लस ऑक्सीजन अगर आप उसे दोगे वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप फिर यहां पर देखो जो सीखने वाली बात है, ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट। एस मीन्स सॉलिड, जी मीन्स गैस। तो इन दोनों ने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि वहां से आपके रिएक्शंस पूरी पूछी जाएंगी, ना, वो आपको रिएक्शंस देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये रिएक्शन कौन से टाइप की है। तो आपको ऐसा भी माइंड में नहीं रखना कि सर हमें ये रिएक्शंस क्या याद रखनी पड़ेंगी। याद रख सकते हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू, बट अगर नहीं भी याद आता कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट नीड कि आपको समझ हो कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, कौन से प्रकार की है।
चलते हैं आगे। कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। इस पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में आपको बता दूं यही टाइप्स इंपॉर्टेंट है बस, और है ही इसमें यही और कुछ भी नहीं। सेकंड क्या आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, टूटना, इंग्लिश से हिंदी हमें आनी चाहिए। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है जो एरो से पहले होता है, वो किसी कंडीशन के अंदर टूट जाए और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, तो हम बोलेंगे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो एक ही है, देख रहे हो ना, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, वो टूट गया टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसे हम बोलेंगे ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जो है उस पर भी हम बात करते हैं, बट आपको एक पॉइंट यहां खुद ही समझ लेना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में हो रहा था दो जुड़ के एक बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन में एक टूट के दो बना रहे हैं, तो ये आपस में ऑपोजिट हो गया। वही बोल रहे हैं, दिस रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके ऑपोजिट है, कॉम्बिनेशन के, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, दीज रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला कि एक रिएक्टेंट टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में, बट वो टूटेगा कैसे, अपने आप टूटेगा या, क्योंकि पहले क्या होता था कॉम्बिनेशन में, क्या हो, दो चीजें हैं वो तो रिएक्ट करेंगी, एक सिंगल चीज रिएक्ट कैसे करेगी, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये तीन टाइप की है, कौन कौन सी टाइप है अब उस पर बात करते हैं। पहली आ गई हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से क्या मीनिंग होता है आपका, आप जानते हो, थर्मल मीन्स हीट, थर्मल मीन्स हीट। तो दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप ये समझे, तो ये रिएक्शन जो है ये हीट का इस्तेमाल करती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दी होगी जरूर यहां पर, यहां देखो FeSO4, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर का होता है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि एक बार आया था ऑब्जेक्टिव फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, जितने आए थे वो मैंने यहां पे इंक्लूड किए हैं, वो आपको समझने हैं। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। ट्राइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं, आप समझे ये पॉइंट। तो देखो एक ने तोड़ा अपने आप को और वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट यहां पर जरूरत किसकी पड़ गई, हीट की। तो जब भी हीट की जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो हम बोलेंगे ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या बोलेंगे हम, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, क्लियर। चले, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ये भी याद रख लेना। ऐसे में आपको मैं बताऊं, क्योंकि 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी है, बट उसके बाद छोड़ दी होती है बच्चों ने, आर्ट्स वाले ने, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है 11th 12th में, मैं उन सबको बोल दूँ और आप सबको भी कि आपको एक काम जरूर करना है, केमिस्ट्री में फ्रॉम 1 to 30, 1 to 30 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। उनके सिंबल मालूम होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर भी मालूम होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 11 है, ये याद होना चाहिए। सिंबल क्या है, Na। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। सिंबल क्या है, C। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं वहां आपको चीजें जरूर बताऊंगा, बट आप ये गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, फ्रॉम 1 to 30, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस पे आते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब भी ये होता है, इलेक्ट्रो आ गया मतलब कहीं ना कहीं बिजली का यूज होगा। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये चीजों को तोड़ने के लिए यहां पर आपको बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो ये Na सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। और ये 2 क्यों लिखा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, इसलिए ये जो 2 है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक करंट का यूज हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली थर्मल, ये डिकम्पोजिशन है,
थर्मल डिकम्पोजिशन कब थी? हीट वाली। यहाँ बिजली का इस्तेमाल हो गया तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। तीसरा देखो, फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो आपको साइंस में कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, जेकेएसएसबी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है, तीन नंबर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में वो लेने हैं। तो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि नोट्स में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, बट आपको जो मैं समझा रहा हूँ इस पर आप जोर डालें, ये चीज़ें याद रखें, आपको यहीं से सवाल पूछा जाएगा। फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कौन सी हो गई? फोटो का मतलब ही होता है लाइट जो सूरज से मिलती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जरूर आपने सुना होगा। सुना है? दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए आपको लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो रिएक्टेंट टूट जाता है प्रोडक्ट्स में, इसीलिए ये फोटोलिसिस है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे तो AgCl, Ag होता है सिल्वर, Cl है क्लोरीन, मिलके बनाया सिल्वर क्लोराइड। इनको जब बिजली दी गई, सूरज की रोशनी, सनलाइट दी गई, ये बन गया सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। समझे आप? तो एक चीज, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में टूट गया तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में टाइप कौन सी? कौन सी टाइप? फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल। वाई? बिकॉज यहां पे फोटोलाइट, सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है। चलिए भाई, हमें समझ आ गया अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी। कॉम्बिनेशन सीखा, डिकम्पोजिशन सीखा, नाउ वी विल स्विच ऑन टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम बता रहे, डिस्प्लेस होना। मैं अगर आपकी जगह पर आ जाऊं, आप मेरी जगह पर आ जाओ, हमने अपनी प्लेसेस को डिस्प्लेस किया है, मान सकते हैं स्वैप किए, तो ये रिएक्शन कुछ इसी तरह की है। ये रिएक्शन भी दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होगी जिसमें एक एटम अपनी जगह को चेंज करेगा। फिर एक आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और रिएक्शन विच नहीं होगा यहां, इन विच होगा, ठीक। और रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, जब डिस्प्लेस करना है, अगर मैंने आपको अपनी जगह से हटा के खुद बैठना है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर मेरे पास ज्यादा एनर्जी हो। तो वो वाला रिएक्शन जिसमें एक ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अगर दूसरे को हटा के उसकी जगह पर आ जाए, तो हम बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि इसमें एक एटम ही ऐसा करता है। अगर मैं एग्जाम्पल पे बात करूं तो देखो, एग्जाम्पल जरूर होगी। देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी दो टाइप्स है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल। अगर मेटल्स में ऐसा हो रहा है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल्स में ऐसा हो रहा है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट यहां सीखते हैं पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो, जेड एन जिंक एक मेटल हो गया, और कॉपर सल्फेट, इन दोनों की क्या हमने करी? एक रिएक्शन करी। अगर आप देखो, बना क्या रहा है ये ZnSO4 प्लस Cu। Zn ने Cu को, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसको हटाया और इसकी जगह आ गया, जिसकी वजह से ZnSO4 बन गया और Cu अलग हो गया। इट सिंपली मीन्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें भी कौन सी? मेटल वाली, क्योंकि ये सब मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है। और अगर नॉन मेटल में ऐसा हो जाए, तो यहां देखो नॉन मेटल की भी बात करते हैं। यहां पे एरो आना था, वो एरो नहीं आ पाया है। करते हैं नॉन मेटल की बात। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, Cl2 और पोटेशियम ब्रोमाइड, ये दोनों जो है ये एड होके इन्होंने क्या बना दिया? बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरीन ने रिप्लेस किया ब्रोमीन को, Br की जगह Cl आ गया, ये बन गया KCl, ब्रोमीन अलग हो गया, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा ब्रोमाइड या ब्रोमीन से। इट मींस ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब आपको ये खुद ही समझ आ चुका होगा, वो रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट
ये दो बार आ गया, टू डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, जिसमें दो ऐसा दो बार हो। अगर आप ध्यान से देखो, यहां समझो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। सिल्वर और Br, ये देखो इसने क्या किया, सिल्वर ने सोडियम को हटाया, ब्रोमीन के साथ जुड़ गया, और NO3 जो है ये Na के साथ जुड़ गया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। समझा मेरा पॉइंट? बस आपको ये आना चाहिए। बट आपको ये भी बता दूं, अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर ये रिएक्शन हमें याद करनी है क्या, मैं अगेन ये चीज बोल रहा हूं, यू नो डोंट नीड टू लर्न दीज रिएक्शन, आपको बस पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ये मालूम होना जरूरी है बस। फिर देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज करना। जब भी एक रिएक्शन में एसिड और बेस की बात हो गई तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगी, वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्ट एंड वाटर, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपको पता है एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड, जैसे बेस बोलते हैं इनो, वो खाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइज होनी, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी नीचे दी गई है, NaOH प्लस HNO3, यहां पर अगर आप देखो NaNO3 हो गया और H2O हो गया, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो। बट हमें न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलनी है, क्योंकि इसमें एसिड बेस के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, ये एसिड आ गया, ये बेस आ गया, और आपस में न्यूट्रलाइज करके इसने पानी बना दिया, ये पानी आ गया, तो इसलिए इसे बोलूंगा मैं ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नोट देखो, These reactions are also the examples of double displacement reaction. मैंने अभी आपको बोला कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो नोट में वही बोला जा रहा है कि यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुई। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर? चले आगे चलते हैं, जस्ट एक टाइप रह गई है, मैं टाइम देखता हूं कितना हुआ है, 27 मिनट्स, बिल्कुल छोटा सा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन रह गया है, तो मुझे लगता है मैं आपको ये करवा ही देता हूं, चैप्टर पूरा कंप्लीट ही करते हैं एक वीडियो में, ठीक है ना। चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ये समझ लेते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी हो गई, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सबस्टांस, नाम बता रहा है, ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइज करना, तो वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, उसे ऑक्सीडेशन बोलूंगा। एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम Na प्लस ऑक्सीजन Na2O बन चुका, बैलेंस करने के लिए 2 और 4 आया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना इसके अंदर, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल, नाम से ही पता चलता है, और आपको इतना ही मालूम होना चाहिए, बहुत है। आगे चलते हैं, इसको यह भी बोला जाता है वो रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्टांस। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, आप इसे दो तरह से समझ सकते हो, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या हाइड्रोजन का रिमूव होना वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसकी भी एग्जाम्पल दी है इसने, अगर आप ध्यान से देखो, ये इथेनॉल है, इसको जब ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दिया गया, CH3CHO अलग हो गया, H2 अलग हो गया, हाइड्रोजन निकला ना इसमें से, और जब हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। समझ चुके? अब आपसे मैं अगर पूछूं, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, जितने भी अब तक हमने सीखी बता पाओगे, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है ये पूरा पूरा रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, तो इट मींस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। I hope you are getting my point. Again, आगे भी दिया हुआ है, एक और इसकी टाइप बता दी गई है, वो प्रोसेस जिसमें सबस्टांस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीन चीजें सीखी, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल दिए जिंक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, इसलिए जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो गया, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन गई।
चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझना, जो तीन हमने टाइप्स समझी ना ऑक्सीडेशन की, वैसे ही तीन टाइप्स अब रिडक्शन में भी आ जाएंगी। पहला हमने देखा था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। 2KClO3 है, अगर आप देखो ऑक्सीजन अलग हो गया, यह रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा हमने देखा था हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है, यहां हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सबस्टांस, ये रिडक्शन है। आप देखो अगर Na+H2 2NaH बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया, ये रिडक्शन है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कंबाइन होके एक बन गया, ऑब्जेक्टिव इस तरह का ही बनता है। ठीक है, चले मैं बार बार वहां क्यों देख रहा हूं, आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन लगी हमारे सामने, मैं देखता हूं बीच में कि मैं विजिबल भी हूं या नहीं, मतलब दिख पा रहा हूं आपको कि नहीं। लास्ट टाइप रहेगी ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये समझते हैं और ये चैप्टर होगा हमारा कंप्लीट। रेडॉक्स में दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, एक है आरी और एक है डॉक्स, या आप बोलो एक है RED और एक है OX। रेड से बना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है उससे OX निकाला गया। इट मींस ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। यू जस्ट नीड टू लर्न दिस थिंग, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी होना वो कैसे पॉसिबल है, तो वो भी एक एग्जाम्पल दी है हमने। आप ध्यान से अगर देखोगे यहां समझ आएगा, पहले रीड कर लो। दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, दोज आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में भी अगर आप देखो, एग्जांपल को ही ये वर्ड्स में लिखा हुआ है तो आप खाली ये समझोगे, आइडिया मिलेगा। देखो CuO+H2 था, ये हमें कॉपर अलग कर रहा है और वाटर अलग कर रहा है। आप अगर देखो CuO से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हो गया अलग, रिमूव रिडक्शन, तो ये आगे रिडक्शन, मगर H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल सीखी हमने, तो इट मींस दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑल्दो यहां पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी दिए हुए हैं, ये आप रीड भी कर लोगे बहुत है, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी दिए हुए हैं, इनको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, जैसे आप रिएक्शंस में आप देख रहे हो कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होनी है, तो रिएक्शन में ऐसी किस चीज की जरूरत होगी कि ऑक्सीडेशन हो पाए और रिडक्शन किन चीजों के साथ पॉसिबल है, यही वो चीजें दी गई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसा सबस्टांस जो मदद करेगा ऑक्सीडेशन करने में, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल्स दी हैं, आप जस्ट रीड करो इसे। और एक ऐसा सबस्टांस जो मदद करेगा रिडक्शन करने में, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैं क्विक रिविजन दे देता हूँ इस पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर की, और फिर कोशिश करूंगा मैं कि एक वीडियो MCQs पे भी इनके ऊपर लेकर आऊं, ताकि आपको ज्यादा आइडिया मिल पाए। चलो लेट्स बिगिन। सुनो आप ध्यान से, सबसे पहले हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में हमने ये समझा कि कुछ सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो रिएक्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और ये पूरी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बट इन्हीं सब्सटेंसेस के सिंबल्स को भी अगर हम लिख लें तो वो एक पूरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन में आपको उस सब्सटेंस का स्टेट बताना चाहिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को, समझे आप ये पॉइंट। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उससे पहले बैलेंसिंग भी सीखी थी। बैलेंसिंग में क्या होता है कि लेफ्ट एरो के लेफ्ट में, एरो के राइट में जितने भी एटम्स है वो बराबर होने चाहिए ताकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो पाए। ठीक है, और फिर हमने टाइप्स सीखी, पहली हमने देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ के प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन सीखी, एक रिएक्टेंट टूट के दो से ज्यादा या दो प्रोडक्ट्स बनाए, डिकम्पोजिशन। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, हाँ डिकम्पोजिशन में टाइप्स भी थी, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटो वाली थी, और एक तीसरी कौन सी थी,
इलेक्ट्रोलिसिस वाली भी थी। फिर हमने सीखी क्या, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर डबल करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, क्योंकि एक एटम या एक एलिमेंट दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। फिर हमने देखी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना रिडक्शन रिएक्शन है। हमने सीखा रेडॉक्स रिएक्शंस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो, रेडॉक्स रिएक्शंस। और लास्ट में हमने ड्यूरिस्टिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सीखा। एजेंट का मतलब ही होता है जो आपकी मदद करे, तो जो ऑक्सीडेशन में मदद करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन में मदद करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। आई होप आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा, सिंगल वीडियो वापस से लाएंगे पूरे चैप्टर के ऊपर, वहाँ हम सीखेंगे मोस्ट प्रोबेबली नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, एंड द थर्ड चैप्टर विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट एक चैप्टर और भी होगा सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज, वो बहुत ही आसान होता है, वो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।